कभी ये कि बारिश हमेशा हो रही है फिर पीने का पानी कम हो जाता है, 20% काट देंगे, 50% काट देंगे, कमी करेंगे, क्या है। जब यही पानी जब जा रहा है तो वापस भी उतना आना चाहिए ना, जितना कभी कम आ जाता है कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि शहरों तक भर जाता है पानी, लोगों की हालत खराब हो जाती है। ये बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती, ये लॉजिक समझ में नहीं आती कि ये लॉजिक है क्या। ये साइंस यहाँ पर बहुत सी जगह पर साइंस फेल है, बहुत सी जगहों पर इस्लाम ने साइंस को जवाब दिया है, यहाँ भी इसका जवाब भी इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि बारिश इस्लाम के नजरिए से बारिश कैसे होती है। तो ये लॉजिक समझ के बारे, ये फिलोसोफर्स की, ये साइंस की, कि ये भाप बनकर उड़ा, फिर और भी जो इल्मी तौर पर जो बातें होंगी ना वो तो और भी ज्यादा हैं। मैंने तो चंद एक बातें जो मेरे जहन में भी घूम रही थी, किताबों में भी कुछ लिखी है इसमें से, तो वो मैंने आपको बता दी, पेश कर दी कि ये तब करना ये नहीं कि बच्चों को बोले भाई पढ़े मत, नहीं पढ़ाइए पढ़ाइए उनको। अभी अगर अच्छे रैंक्स वगैरह लाने, उनको तो वही लिखना पड़ेगा, अगर वो ये सब चीज़ें लिख देंगे ना ये एतराज़ा, तो उनको फेल कर दिया जाएगा। बच्चों को पढ़ाइए लेकिन साथ में आप समझाते रहिए कि बेटा ये दुनियावी उलूम है, इनको अपनी जगह पर रखो। इस्लाम क्या कहता है वो ये है, इस्लाम जो कहता है वो ये अपने जहन में रखा करो। तो इस्लाम क्या कहता है वो भी आ गई है बारिश के बारे में, समाज फरमाए। तो इस्लाम की जो जो नज़रिया है बारिश के, तो नज़रिया का इस्लाम का जो हकीकत है बारिश की, वो इस्लाम ये बयान करता है। और भी तफासिर में ये बातें लिखी हैं, मैं आपको तफसीर रूहुल बयान जिल्द अव्वल सफ़हा नंबर 69, तफसीर रूहुल बयान वॉल्यूम 1 पेज नंबर 69, इस पर जो लिखा है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक रिवायत हजरते इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अनुहुमा, ये आप लोगों को शायद याद होगा, अनुहुमा किसके लिए कहते हैं, दो के लिए, अब्दुल्ला खुद सहाबी और अब्बास हुजूर अलैहिस्सलाम के चाचा रदी अल्लाह तआला अनु, तो दोनों सहाबी का जिक्र है, इसलिए इनका नाम जब भी लिया जाएगा इब्ने अब्बास तो अनुहुमा कहा जाएगा। ऐसे ही इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अनु के साहबजादे हैं। आप किताबों में देखें तो वहां पर दोनों के साथ में अनुहमा लिखा जाता है, दो का जिक्र है इसलिए रबी अल्लाह ताला अनुहमा, और मैंने जमा के लिए अनहुम इस्तेमाल करते हैं, एक से ज्यादा हो तो, एक नहीं दो से ज्यादा हो, दो के लिए अनहुमा, तस्निया अलग है, जमा के लिए अनहुम। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो हजरत इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि अर्श के नीचे एक दरिया है, अर्श जो है सातों आसमानों के ऊपर है, आसमान जो है सात हैं, सातों आसमानों के ऊपर अर्श है। उस दरिया से जो है तमाम हैवानात, जो कुछ जमीन में जानदार हैं, उनका रिस्क नाजिल होता है, यानी ये पानी के जरिए से जो बारिश जो बरसती है ये वहां पर है। कहते हैं कि उस दरिया पर अल्लाह की तरफ से इशारा होता है, अब वहां से पानी उतरना शुरू होता है, फयम तुरु, जितना अल्लाह अज़्ज़वजल की हिकमत होती है, जितना अल्लाह चाहता है उतना पानी अर्श से सातवें आसमान पर, सातवें से छठे पांचवें होते 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 दुनिया का जो आसमान है वहां तक पहुंच जाता है। हत्ता यंतही इलस समाई दुनिया, दुनियावी आसमान की तरफ पहुंच जाता है। फिर अल्लाह अज़्ज़वजल बादलों को हुक्म फरमाता है, बादलों की तरफ वही फरमाता है, इशारा करता है कि जाकर उस पानी से घोंट घोंट भर लें, यानी पी लें, उस पानी को जज्ब कर लें अपने अंदर। अब बादल जो होते हैं आकर उन जो पानी दुनियावी आसमान पर आकर रुका हुआ है उसे जमा कर लेते हैं, एक एक कतरा, जितना अल्लाह अज्जवजल ने इरशाद फरमाया वो सारा उतना पानी, एक एक कतरा भी यानी वहां पर ना कम ना ज्यादा होता है, जमा कर लेते हैं।
अब उन बादलों के साथ फरिश्ते होते हैं जो उनको जहां जहां जाना होता है बादलों को वहां वहां लेकर जाते हैं। अब अल्लाह अज़्ज़ोजल के हुक्म से आसमानों से बारिश नाजिल होती है। फरमाते हैं वला युनज़िलु मिनस समाई क़तरतन इल्ला बिकैली मालूमिन व वज़न मालूम फरमाते हैं कि जितना चाहिए उतनी बारिश नाजिल होती है, जितना हुक्म खुदावंदी है, जितना वजन, जितनी तादाद, जितनी मकदार, जितनी एक एक कतरा भी उसमें से न कम न ज्यादा, जितना अल्लाह अज़्ज़ोजल का हुक्म होता है उतना नाजिल। और फर एक यहां भी है कि हर कतरे के साथ एक फरिश्ता होता है। या किताबों में कि जब बारिश हो तो दुआएं करो, फरिश्ते नाजिल होते रहते हैं साथ में। बारिश में नहाना भी सुन्नत है, तबीयत वगैरह अगर खराब ना होती हो तो नहाया जाए। मैं आजकल नहीं नहा पा रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद था बारिश में नहाना, लेकिन अब तबीयत बिगड़ जाती है। तो नहाते रहना, नहाना और नहाते वक्त में दुआएं करते रहने चाहिए। ये सिर्फ खेल कूद नहीं तो होता है, नौजवान जो है बहुत सी हरकतें करते। तो ये बारिश में तो ये फरिश्तों का नुसूल होता रहता है, हर कतरे के साथ एक एक फरिश्ता होता है। बिल्कुल ये जो जोरदार गिरती है ना, अगर ये फरिश्ते ना हो तो ये इतनी तेजी से गिरे कि जमीन फाड़ कर रख दें, इतनी इसमें ताकत होती है। ये फरिश्ते उसको उसकी हिसाब से जमीन पर रखते हैं कि ये नुकसान ना हो। फरमाते हैं ये जो है ना कि हर एक एक कतरा जितना चाहिए उतना बारिश नाजिल होती है। फिर आगे फरमाते हैं इल्ला मा काना यौमत तूफान, मा काना यौमत तूफान, ये जो मकदार के मुताबिक गिरना ये सिर्फ तूफान के दिन नहीं होता। जिस दिन तूफान आना होता है उस दिन मकदार नहीं देखी जाती, उस दिन बिला वजन, बिला मकदार, बिला तादाद बेतहाशा बारिश होती है और फिर जो होता है वो सबके सामने है। तो ये इस्लाम का नजरिया है कि बारिश इस तरीके से होती है कि अर्श इलाही के नीचे दरिया है, वहां से पानी नाजिल होता है, आसमानी दुनिया तक आता है, फिर फरिश्ते उसको पी लेते हैं और फिर अल्लाह के हुक्म से जाकर बारिश बरसती है। ये सारे जो भाप बनकर उड़ गया और यहाँ टकराए वहां टकराए और बारिश हुई, तो ये तो समझ ही के बाहर है। अब देखिए भाप गर्मी तो हर जगह होती है, हवाएं भी चलती हैं, बादल हर जगह पहुंचते, पर कुछ जगह ऐसी कि जहां पर बारिश होती ही नहीं, और कुछ ऐसी जगह जहां पर 12 महीने बारिश होती है। पौंडेचेरी जो इंडिया में है, हमारे मुल्क में, वहां पर अक्सर 12 महीने बारिश जारी रहती है। सुना ऐसा सुनने में सबसे ज्यादा बारिश वहीं होती है, लगातार होती ही रहती है। उस तरफ केरला वगैरह की साइड में पहाड़ से बताते हैं ज्यादा है, तो वहां टकराते हैं तो बारिश होती है। अरे क्या कुछ अब पहाड़ों के साथ टकरा कर बारिश होना, ये तो मेरे तो समझ ही में नहीं आता। अब कितनी जगह ऊंचाइयों पर चले जाएं, बहुत सी जगह ऐसी खुद मैंने भी मुशाहिदा किया है कि पहाड़ों पर आप जाएं, कुछ ऐसे मकाम आते हैं सियाहत वाले, टूरिस्ट पॉइंट्स, वहां पर आपको ऐसे बाकायदा बादल आपको छू कर जाते हैं, बिल्कुल ऐसा हवा की तरह सिर्फ लगता है, सफेद धुआं कुछ धुआं की तरह हमारे पास से चला गया। बादलों में तो कुछ अगर टकराने से बारिश होती होती तो हमसे फिर टकरा कर बताएंगे उसमें वो पानी वाले बादल नहीं है। पानी वाले नहीं है तो टकराए तो सही, कुछ लगना तो चाहिए हमको। कुछ समझ ही में नहीं आता क्या कौन कौन सी लॉजिक क्या कुछ भर दिया गया है। तो इस्लाम इन तमाम चीज़ों को रद्द करता है, बारिश और जाहिर बात है लॉजिकली भी ये समझ के बाहर है। इस्लाम ने ये बताया है कि बारिश जो है अल्लाह अज़्ज़ वजल के हुक्म से आसमानी जो दरिया है वहां से फरिश्ते जो है बादल से चूस कर खींच कर लेते हैं और अल्लाह के हुक्म से जहां जितना नाजिल करना होता है उतना नुजुल होता है, उतनी बारिश नाजिल होती है। और जब तूफान का दिन होता है तो फिर अल्लाह की पनाह, अल्लाह इससे हम सबको महफूज फरमाए। आमिन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बारिश के ताल्लुक से और भी बातें हैं जो इसमें आगे भी आएंगी इंशाल्लाह, रौद और बर्क जो है ये सब क्या है, ये सब का भी खुलासा इंशाल्लाह मैं पेश करने की कोशिश करूंगा इन्हीं किताबों से। हो सकता है कि अक्सर भाइयों को मालूम हो सकता है कि इन्हीं को नहीं मालूम हो, कुछ नई बातें हों,
तो अपने बच्चों को ये इस्लामी तालीमात भी सिखाएं ताकि इस्लाम क्या कहता है वो भी उनके जहन में हमेशा बचपन से ही बैठ जाए। ये ऑडियो काफी तवील हो रहा है, मैं इसको दो पार्ट कर दूंगा। खैर इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल इसको अभी यहाँ पर रुकते हैं। अल्लाह अज़्ज़ोजल कबूल फरमाए उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफल में, और हम सबको सही इस्लामी अकायद पर कायम रहने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।